रोटरी क्लब द्वारा शहर में फिजियोथेरेपी सेंटर की शुरुआत की है। इस सेंटर का उद्घाटन आज रोटरी के मंडल अध्यक्ष गजेंद्र सिंह नारंग और जिला पंचायत सीओ रोशन सिंह ने किया। इस फिजियोथेरेपी सेंटर में आने वाले मरीजों का इलाज डॉक्टर तोशी झवर की देखरेख में होगा। रोटरी क्लब ने समय समय पर ऐसे कई सामाजिक कार्य किए हैं। देश में चले पल्स पोलियो अभियान में भी रोटरी की विशेष भूमिका रही। आने वाले समय में रोटरी निशक्त जनों को कृत्रिम हाथ और पैर लगाने का अभियान शुरू करने वाला है। बताइए आज किस तरह का फिजियोथेरेपी सेंटर यहाँ पर स्टार्ट हुआ है और कैसी सुविधाएं मिलेगी? यहाँ पर रोटरी क्लब ने फिजियोथेरेपी सेंटर शुरू करा है। ज़्यादातर लोग फिजियोथेरेपी का लाभ नहीं ले पाते, इसके ज़्यादा कॉस्ट रहती है इस वजह से। तो जो भी गरीब है, जो भी जिनको करवाना चाहते हैं, निःशुल्क रेट पर या मिनिमम रेट पर फिजियोथेरेपी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ पर सारी मशीनें वगैरह है जो भी पेशेंट को लगेगी, बेसिक सारी मशीन्स है, इसके साथ एक्सरसाइजेज वगैरह सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। अपना परिचय मैडम, आपका परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर तोशी झवर हूँ। मैंने MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर से किया हुआ है। इसके अलावा सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में किया हुआ है। रोटरी अंतर्राष्ट्रीय की स्थापना वर्ष 1905 में हुई थी और रोटरी क्लब ऑफ खंडवा 28 जून 1968 को इस क्लब का निर्माण खंडवा में हुआ था। और इसका जो मूल नाम है, कार्य है, वह है सेवा के प्रकल्प और साथ में अच्छे से स्कूल का कार्यवाहन। और आज जो हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उसके पीछे का कारण विशेष करके आज एक नया फिजियोथेरेपी सेंटर का की सौगात रोटरी क्लब ऑफ खंडवा ने खंडवा शहर को दी है और इसके अंतर्गत उसका उद्घाटन किया गया है विधिवत। और इसके अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जिसके ऊपर यहाँ के जो भी हमारे पेशेंट्स होंगे उन लोगों को समय समय पर सारी फिजियोथेरेपी वगैरह दी जाएगी। आगामी किस तरह की कार्य योजना है रोटरी की और सोशल एक्टिविटीज़ को लेकर के आगे किस तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं? रोटरी हमेशा ही सेवा कार्यों में अग्रणी रहा है। आपको सभी को पता है कि पोलियो का जो उन्मूलन हिंदुस्तान से हुआ है उसमें रोटरी ने अहम भूमिका निभाई है। रोटरी क्लब ऑफ खंडवा हर सेवा के क्षेत्र में जब भी सरकार द्वारा कोई भी कार्य कहा जाता है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। आने वाले समय में हमारी बातचीत सरकार के साथ चल रही है कि जिस तरह हमने पोलियो में साथ लेकर दवाई का वितरण किया है, इसी तरह कोविड वैक्सीनेशन में भी हमारी अगर पूरी इस वॉलंटियर्स की टीम की ज़रूरत होगी तो रोटरी क्लब ऑफ खंडवा उसमें सहयोग करेगा। और एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हम आगे करने जा रहे हैं जो कि कृत्रिम हाथ और कृत्रिम पैर का है, जिसमें कि वे सारे पेशेंट जिनके हाथ या पांव किसी भी कारण से कट गए हैं या खराब हो गए हैं, तो उनका एक बृहद बड़ा कैंप हम यहाँ पे गवर्नमेंट